तो भाई लोग फिर से आ गए हैं हम हर बार की तरह एक बार और आर्क सर्वाइवल इवोल्व के गेम प्ले वीडियो में। और भाई लोग पिछली वाली वीडियो में हमने अपना घर बना दिया था, एकदम फुल एकदम सेट कर दिया था, और इस वाली वीडियो में हम उसके अंदर जानवरों को पालतू बनाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, कहीं जाना नहीं है, और वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इंट्रो। ठीक है, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमारे पास 50 टैंक एरो हैं और ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारी, तो इन्हें ले कर और थोड़ा सा खाना ले कर डायनासोर के लिए चलते हैं। ठीक है, ये वाली बेच देता हूँ मैं, और क्योंकि मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ तो इससे मुझे यहाँ पे जो है कि काफ़ी अच्छी जानकारी है कि कहाँ पे कौन सा रास्ता कैसे है, कौन सी जगह पड़ती है, क्या है बात है ना। तो अब क्यों खोने नहीं वाले यहाँ पे एटलीस्ट। ओ भाई, सामने एक पैंथर जैसा जानवर है भाई। इस साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन सामने की साइड है एक जानवर। तो मैं फटाफट अपना धनुष बाण निकालता हूँ। नहीं, ये नहीं है। अरे ये भी नहीं है, ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्या है भाई? हाँ ये, और हम इसे पालतू बना रहे हैं इतने बड़े पैंथर को। ठीक है भाई, ये चीज़ अच्छी है, पैंथर की तरह ये कार्निवोरस नहीं है, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। और भैया तुमने बताया नहीं इस वाले जानवर का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो इसका नाम मैं कुछ भी रख दूंगा अपनी तरफ से। रेड पैंथर रख देंगे इसका नाम, है ना। जब भी पालतू बन जाएगा अपना तो इसका नाम होगा रेड पैंथर। अगली वाली वीडियो के लिए या जब भी हम फ्यूचर में डायनासोर को पालतू बनाएंगे तो उसके लिए जानवर का नाम कमेंट में लिख दो एकदम बढ़िया से। और अभी ये थोड़ा सी देर लेगा पालतू बनने में, तो जब बन जाएगा तो देखते हैं इसके अंदर क्या पावर्स हैं, इसे सैडल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या बात है ना, सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने क्या कहते हैं एक और पैंथर को गिरा दिया है। ये तुम्हें देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन ये फीमेल है उसी की, और कलर भी इसका सेम ही है। ठीक है, तो इसका नाम रख देंगे हम रेड पैंथरनी, है ना, पैंथर की पैंथरनी। और अभी अपने पैंथर को देखते हैं जाके, पालतू बना नहीं बना क्या सीन है भाई। नदिया के एक किनारे वो है, एक किनारे वो है ना, दोनों आसिक नदिया के इस किनारे उस किनारे ऐसे करके कुछ। भाई साहब वो जानवर तो पालतू बन रहा है, लेकिन वायरस घूम रहा है यहाँ पे, सुअर है ना, तो इसको पालतू बनाते हैं। वायरस ब्रो, हाउ आर यू, पट से हेडशॉट लोगे? ओ भाई साहब, वायरस दो तीर में ढह गया, सही चीज है यार। और ये यार, अरे भाई सफेद पैंथर चला जाए यहाँ से, मेरे वाले पैंथर के पास गया था पिछवाड़ तोड़ दूंगा मैं। ये सही यार, लेवल दो ही था इसका वायरस का, इसलिए क्या कहते हैं ये आराम से पालतू बन गया। दो ही तीर चलाए हमने और भाई हमारा क्रोसो भी टूट गया है ना, लेकिन अपना पालतू बन गया है, मतलब ये वायरस ढह गया अभी के लिए। इसके देख लेते हैं इन्वेंटरी में खाना वाना डाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, वायरस अपना पालतू बन गया है। ओ वायरस के लिए सैडल भी चाहिएगी हमें, सैडल माने चलाने का सिस्टम है ना। हाँ भाई, जमीन तोड़ दे बुलडोजर, हिलान लग रहा है बुरी तरह से, पढ़ा भी नहीं जा रहा है वायरस के ऊपर क्या लिख रखा है। अरे भाई यार, पानी में आया था मैं, वायरस निकले के भाई मार दिया इन्होंने, ये आराम की बच्ची मछलियों ने, इनमें से कुछ को तो मैंने ही मार दिया गुस्से गुस्से में, लेकिन भाई क्या यार, वायरस नहीं तो मरी गई अपनी। वायरस अभी अभी पाल तो बनाया था भाई, दो लेवल का था खाली, इसलिए मार दिया मछलियों ने पानी में घुसते ही। मुझे तो इतना मजबूत आर्मर है, इस वजह से नहीं मार पाती भाई, वायरस को डिफेंसलेस होने की वजह से मार दिया। ठीक है भाई साहब, तो अभी अपना रेड पैंथर जो है वो पालतू बन चुका है, लेकिन इसके लिए हमें सैडल की जरूरत पड़ेगी। सैडल मतलब इसके ऊपर वो लगानी पड़ेगी हमें, जो घोड़ों के ऊपर लगाते हैं, है ना। तो फटाफट रखते हैं इसके ऊपर और भाई सवाई करते हैं इसकी मस्त सी। और मैं एक काम करता हूँ, इसका लेवल अप भी करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मछली काफ़ी खतरनाक है। ओ भाई, लेवल अप होते ही डांस निकल जाता है बंदों का यहाँ पे। आ जा बेटा जल्दी, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, आ जा, भाग क्या भाग क्या भाग क्या भाग क्या। हाँ हाँ, बस 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 बस, अरे बस भाई मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है, धूल उड़ाता हुआ जा रहा है मेरे ऊपर से। अरे बस रुक जाना यार, भाई कहाँ जा रहा है भागा हुआ। भाई साहब 29% कुछ, ये लेवल भी इसका ज़्यादा है भाई, 100 लेवल का ही है ये, 40 लेवल करीब का था, 100 लेवल का है। ठीक है भाई साहब, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, इसके ऊपर जो है प्लेटफॉर्म सैडल लगी है, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं हम अपना घर भी बना सकते हैं, मतलब घर तो नहीं ऐसा है सच पूरा, लेकिन हाँ एक छोटा सा बेस सा तो बना ही सकते हैं हम एटलीस्ट, के यहाँ पे अपने दो चार स्टोरेज बॉक्स वगैरह रख लें, और मतलब सही सा हो जाए अपना ये पोर्टेबल, वो हो गया सामान ले जाने वाला बंदा, है ना, सामान ढोने वाला डाइनो है ये अपने। और एक बार इससे घास पत्ती तोड़वा के देखते हैं, थोड़ी सी पेड़ वेड़ के चीज़ें तोड़ फोड़ पाता है नहीं। और भाई साहब जब पहले चल रहा था कम लेवल पे, जब तो धरती हिला रहा था, अब कुछ हिला ही नहीं रहा, अब एकदम स्टेबल है, कमज़ोर तो नहीं हो गया तू लेवल बढ़ने के बाद। तो भाई लोग ये वाला डाइनोसोर तो मेरा टेम होने वाला है भाई, इसमें मैंने अपने सारे
रिसोर्सेज लुटा दिए, ठीक है। जितना भी नशा मेरे पास पड़ा था भाई, बायोटॉक्सिन और नार्कोटिक्स और नार्को वैल्यू जो था मेरे पास नशे की चीज़, सब मैंने इसे दे दी। और अब जाके ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि पालतू अपना बनने वाला है, लेकिन नशा इसे अभी भी है, अभी ये उठने नहीं वाला काफ़ी देर तक। लेकिन भाई उतने भी क्या है, मुझे ये दिख गया था ये मेंढक है, ठीक है, तुम्हें भी दिख रहा होगा ये मेंढक है। लेकिन भाई ये क्या है भाई, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे हम चिटिन वगैरह कलेक्ट करने जाते हैं ना, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। भैया बन गया पालतू, ठीक है, बड़ा वाला डायनासोर पालतू बना, इसका नाम रख देते हैं रेड पैंथनी, है ना। और ये क्या कहते हैं, जैसे मेंढक है तो ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा काम आता है सामान इधर, मतलब चिटिन कलेक्ट करने में। और भाई साहब ये यहाँ पे मुझे कूदता हुआ मिल गया था भाई, मैंने एकदम से आओ देखा ना, ताओ मेंढक के ऊपर नहीं चढ़ना। और चलो मेंढक के ऊपर तो नहीं चढ़ा भाई, मुझे लगा था मेंढक के ऊपर इसने पैर नहीं रख दिया हो, है ना, मर जाता बेचारा, इतना सा तो है ही। खैर तो भाई मैंने, भाई आओ देखा ताओ, मैंने करा फट से इसके सिर पे गोला फेंक के मारा, है ना। और फिर भाई इसे पालतू बनाना शुरू करा, छोटे लेवल का, 8 लेवल का है तो आराम से पालतू ही बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन भाई मेरा क्या है भाई, क्रॉसबो भी टूट गया था, ये रहा भाई। और इसका मेंढक का नाम तुमने कुछ कमेंट वमेंट बताया नहीं था, तो मैं रख देता हूँ, ठीक है भाई। तो मेंढक का नाम हम मैन डक रख देते हैं, मैन डक, और ये मेंढक है ना जो भी है। और यार कुछ बढ़िया सा बेहतरीन सा नाम बताओ यार कमेंट वमेंट करके इसके लिए। और इसे सैडल चाहिए चलाने के लिए, सीरियसली ब्रो। ठीक है भाई लोग, फाइनली पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे इन दो डायनासोर को लेके। और इस ट्रिप में मैंने अपना एक और डायनासोर खो दिया, मर गया वो डायनासोर, मतलब डायनासोर नहीं, मेंढक जो था, है ना। ठीक है भाई साहब, हमने रेड पैंथनी के ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म वाली सैडल लगा दी है, ठीक है। और अपने रेड पैंथर के ऊपर तो है ही पहले से, वो भाई साहब काफ़ी ऊंचे है ये, इनकी मुंडी से दुनिया देखने की कोशिश करते हैं ना कि इन्हें कैसी दिखती होगी दुनिया, और इन्हें ऐसी दिखती है वहीं के लिए। हमारा घर भी छोटी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा, है ना। इनकी मुंडी से मैं आराम से जंप मार के और अपने छतड़े पे जा सकता हूँ यहाँ से ऐसे। भाई साहब यहाँ पे एक चिड़िया घूम रही है, मैं फटाफट से उतर के और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अभी इसे उड़ गई तो थोड़ा सा उड़ी जान देते हैं ना, क्योंकि थोड़ी देर में लैंड जरूर होगी। भाई हो जाइए यार लैंड फटाफट, है ना, और यहीं रहिए, मैं इतने बोला तैयार रखता हूँ। अरे नहीं यार बोला, हाँ हो जा लैंड हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई तुझे पालतू वालतू नहीं बनाने आया, मैं तो बस देखने आया हूँ तेरे को उड़ते हुए, है ना। बस लैंड हो जा थोड़ी सी जल्दी, वो इधर उधर मत भागिए। ये ठीक है भाई साहब, ये निकाला क्रॉस बॉल, एरो लोड करा और फट से हेड शॉट, नाकोटिक एरोज हैं सारे के सारे। ओह भाई 2 मिनट ढह गई, सही है। ओह मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था इसे, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है, उड़ती है क्योंकि, बस ये फ़ायदा है इसका मेन। और इसे थोड़ा सा खाने देते हैं और बायोटॉक्सिन भी इसके बस्ते में डाल देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी दे देंगे। 21 लेवल की है, लेकिन 21 लेवल के हिसाब से सही है, 2 एरो में गिर गई। तो भाई साहब ये छिपकली जैसा जानवर ये हमारे 2 घुसेंट में ढह गया, और अपने बस्ते में GPS रख के डोल रहा है ये बंदा, अजीब बात है। खैर मैं भाई घर से थोड़ा सा अच्छा वाला खाना लाता हूँ इसके लिए, चिड़िया के लिए, जिससे कि जल्दी पालतू बने। लेकिन यार इसके लिए मैं सैडल भी तो चाहिए होगी, सैडल की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है सच। मैं दूसरी साइड से अपने पुराने वाले डायनासोर्स को मार के ले लूँगा, दो मतलब डेनाइस और जोनसन जो पुराने वाले हैं उन्हें मार के ले लूँगा इसके लिए सैडल। तो भाई साहब डेनाइस अभी पालतू बन चुकी है अपनी, और हम एक बार फिर से आसमान में सैर कर सकते हैं, हवा की सवारी, है ना, हवा पे सवार हैं अब हम, डेनाइस पे सवार हैं लेकिन हवा पे भी सवार हैं। और भाई आसमान में उड़ सकते हैं हम एक बार फिर से। यहाँ पे भाई ये अपना पुराना घर है, एक बार इसकी छत पे लैंड करते हैं डेनाइस को, और यहीं से एक बार टेक ऑफ करा लेंगे। सामने अपना नया घर है, ठीक है। इनके डायनासोर के ऊपर लैंड करा करके देखूं, नहीं थोड़ा सा ऊपर इधर हल्का सा इधर, बस। ओ भाई साहब लैंड होगी डायनासोर के ऊपर डायनासोर है, एकदम मस्त कॉम्बो। भाई मैं अभी क्या कहते हैं इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करना चाहता था, मुझे बहुत सारे जानवर पालतू बनाने हैं, लेकिन मेरे PC में स्टोरेज नियरली ख़त्म होने वाली है, मतलब बिल्कुल ऐसे समझो ख़त्म होने के बिल्कुल आसपास है, है ना। तो ऐसे में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, अगली वीडियो में बाकी जानवरों को पालतू बनाएंगे, है ना।
तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी की पूरी आशा है कि तुम्हें इस वाली वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। और अभी क्या कहते हैं, तुम्हारे भाई का माइक का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि ऐसी जो मतलब ऐसी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की स्मॉल टॉक्स होती हैं, इन्हें मैं लास्ट में रखूँ, है ना। शुरू में अगर मैं कहता हूँ तो भाई ऐसी बात तो भाई लोग बोल जाते हैं कई सारे, है ना। तो जिसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, मेरी ज़िंदगी में सेटअप में इन सब में इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए लास्ट में बातचीत सही है ना। खैर, तो भाई माइक का सिस्टम चेंज हो चुका है। पहले तुम्हारे भाई के पास ये माइक तो माइक ही है, लेकिन क्या है, पहले ये माइक जो है एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ था, तो उसे जैसे वीडियो बनानी तो भाई यहाँ से बाजू से उठा के यहाँ बीच में रखना पड़ता था, जब वीडियो बन गई तो भाई बीच से उठा के ऐसे बाजू में रखना पड़ता था, तो दिक्कत होती है क्योंकि उसका जो तार है वो यहाँ पे पूरे सिस्टम के अंदर अटकता था। लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो चुका है, अभी क्या है भाई, ये स्टैंड है माइक का, तुम्हें दिख रहा होगा शायद या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, और आवाज़ भी फर्क आ गया क्योंकि मैं माइक को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। खैर, तो भाई साहब ये स्टैंड है और ये क्या कहते हैं, ऐसा फ्लेक्सिबल सा है, तो अगर मुझे वीडियो नहीं बनाई तो मैं ऐसे कर दूंगा, और अगर मुझे बनाई तो मैं ऐसे कर दूंगा, आसान है ना। और सिस्टम में कोई तार वार नहीं अटक रहा क्योंकि इसका तार एकदम ऐसे माइक के पीछे से होके इसके अंदर होके और अंदर जा रहा है सिस्टम के, तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब है। और बस आज वाली वीडियो में इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो पता है क्या करना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भर के एकदम, है ना, कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हर बार की तरह।